थैंक यू थैंक यू। कहना ये चाहूँगा कि बहुत उम्मीदें हैं संजीवनी से, और प्रोमो देख के लोगों का जो रिएक्शन हमें मिला है बहुत अच्छा लग रहा है। प्रोमो तो स्वीट है ही, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग सब 12 अगस्त को 7:30 बजे ये शो देखें, क्योंकि 10-12 साल बाद अगर किसी शो का इतना स्ट्रांग रिकॉल वैल्यू है तो और नर्वसनेस हो रही है कि हम लोगों ने अच्छा काम किया है कि नहीं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये शो अच्छा लगेगा। मेरे कैरेक्टर के बारे में मैं फ़िलहाल ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो पहले संजीवनी में नहीं था, इस किस्म का कैरेक्टर भी नहीं था। और इतना ही बताऊँगा कि वरदान इसका नाम है, आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर कॉल वरदान, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने आज तक ऐसे किरदार में मुझे नहीं देखा होगा। सो एंजॉय द शो। मोनी जी का कैरेक्टर आइकॉनिक कैरेक्टर था और वो इस सीज़न में भी हैं। मोनी जी को बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि मोनी जी के साथ मैंने अपना करियर शुरू किया था। मेरी पहली फिल्म जज्बात, उसमें मोनी साहब थे और मेरे बड़े भाई समान है, और उनका कैरेक्टर आइकॉनिक रहा है, और इस शो में भी इस सीज़न में भी उनका कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा कैरेक्टर उनके ऑपोजिट है, क्योंकि इट ऑलवेज टेक्स टू वेरी गुड परफॉर्मर्स और परफॉर्मेंसेस टू लाइट अप अ सीन। मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ संजीवनी के लिए। उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ, उनसे धैर्य रखना सीखा हूँ, उनसे ये सीखा हूँ कि किस तरह से सीन करते टाइम अपने आप में रहते हैं। मेरे ज़िंदगी का पहला शॉट उनके साथ था, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज वापस उनके साथ काम करने का मौका मिला। अपेक्षा ये है कि सेकंड सीज़न को उससे भी ज़्यादा प्यार मिले जो फर्स्ट सीज़न को मिला था, क्योंकि बहुत मेहनत की है इसमें, और जो नए यंगस्टर्स हैं, जो सुरभि है, नमित है, और इतने सारे जो एक्टर्स अब फ़िलहाल मिलेंगे आप उनके, उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि मुझे लगता है कि आई फील लाइक अ वेटरन। हालांकि ये मेरा कमबैक है टेलीविज़न पर, मुझे खुशी है कि संजीवनी 2 पर मुझे काम करने का मौका मिला है, और कई साल से मैंने डेली सोप नहीं किया है, टेलीविज़न ही नहीं किया है, और जब मुझे शो का ऑफ़र आया तो मैंने बोला कि बॉस, दिस इज़ द टाइम टू रिक्रिएट हिस्ट्री विद द मेकर्स ऑफ संजीवनी। सो हियर आई एम, एंड आई होप दैट यू गाइस एंजॉय द शो। सब कुछ यहाँ बता दूंगा तो आप लोग शो क्यों देखेंगे, चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कैरेक्टर के बारे में, और दूसरा कितने एक्टर्स है, कितने एक्साइटेड हो? सुपर सुपर एक्साइटेड। मेरा आई एम जेसन थाम, आई एम प्लेइंग डॉक्टर नील, और क्या है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ बेसिकली। मैं पेशेंट को देख के आई कैन से विच प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है उसको और क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है जस्ट बाई सींग हिम। बट द मोमेंट आई सी ब्लड मैं फेंट हो जाता हूँ। तो ऐसा ही कैरेक्टर है मेरा, बट ऑब्वियसली आगे जाके ओवरकम हो जाता है वो भी। एंड आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड बिकॉज आज टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द स्क्रीनिंग, एंड कांट वेट टू वॉच इट माई सेल्फ। सी बचपन में ना मेरे डैड ने ऑलरेडी बोला था कि डॉक्टर टाइप का कुछ करना है, और मैं एक्टर बन गया। सो आई गेट टू बी एज अ डॉक्टर ओनली, एंड येस आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च रिगार्डिंग दिस। IV कैसे लेना है, स्टेटोस्कोप कैसे यूज़ करना है, डिफरेंट ग्लव्स एंड ऑल, हाउ टू बी, डिफरेंट मेडिसिन का क्या क्या है और कैसे बोलना है। प्लस वी हैव रियल डॉक्टर्स ऑन बोर्ड जिनके वजह से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, एंड प्लस दे टेल यू द एक्चुअल वे ऑफ डूइंग इट। एंड सिंस वी आर डॉक्टर ऑब्वियसली, बट हाँ, फिलहाल तो यस, बहुत बहुत सीखने को मिलता है। दे आर ऑब्वियसली सीनियर डॉक्टर्स एंड सीनियर एक्टर्स जिनके वजह से बहुत कुछ सीखने को मिलता है,
एंड आई लव द वे दे इम्प्रूव. ऐसे लगता नहीं कि काम पे आए हैं, वी आर एक्टिंग, इट डज नॉट फील लाइक दैट. इट जस्ट फील्स लाइक हर रोज़ ऐसे ही काम हम लोग, यू नो, इट्स लाइक अ जॉब फॉर अस बेसिकली. हर रोज़ हम लोग काम पे आए हैं एंड वी आर सीइंग देम एवरी डे, सो इट्स लाइक नॉर्मल डे फॉर अस. यस 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 या वेल शांतनु इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डांसर्स there, and even you have Faisal is also really good. Bahut tough competition hai, and mujhe lagta hai ki bahut acha fight denge ek dusre ko. Plus we have other people also who aren't dancers but have performed really really well. We have Bindu Dara Singh. Apparently I got very surprised seeing him dancing so good, but yeah, Faisal and Shantanu, they will give like 1920 competition. Yeah, they're really good in the show. Thank you so much. जितनी एक्साइटमेंट मुझे है, मुझे लगता है बाकी सबके एक्साइटमेंट इक्वली वैसे ही है. इट्स बिकॉज इट्स बीन सच अ नाइस शो. 14 इयर्स बैक इट इज बीन अ हिट एंड आई एम श्योर वी आर कमिंग आउट कमिंग बैक विद द सेम एक्साइटमेंट विद द सेम बेस्ट रिजल्ट एंड आई एम श्योर पीपल आर गोइंग टू गेट ग्लूड विद द शो वंस अगेन. या आई एम प्लेइंग सिस्टर फिलो. She's a very important role where she's been performing last year. Jo show tha usme Daisy ji ne kiya tha, so same role I'm performing this time, Sanjeevani 2 mein. Aur wo character senior most character hai, where even Monish ji hai aur Juhi ji aur jitne senior doctors hain, they all look upon Nurse Philo. And she has got a saying to it, you know, and that's how her character is very important. Thank you. Anything else? Okay. I beg your pardon. Can you come over for the visuals? Yeah. Here. क्या करूं? हाय, कैसे हो? क्या कर रहे हैं? मैं 18 साल हो चुके हैं ना. कैसे? अच्छा, स्टार्ट डेट आप एंड डेट से गिन रहे हो? मैं स्टार्ट डेट से गिन रहा हूँ. नर्वस बहुत हो यार. एक्साइटेड तो अब वो नर्वसनेस में एक्साइटमेंट जो है वो नज़र नहीं आ रहा है. बहुत नर्वसनेस है. एक ऐसे लग रहा है कि भाई आप लोगों के सामने, आपके ज़रिए ऑडियंस के सामने ये पहला दिन है और ऐसे लग रहा है कि पता नहीं लोग एक्सेप्ट कर, क्योंकि जो फीडबैक मिल रही है वो ऐसे लग रहा है कि लोगों को, लोग उत्सुक हैं, दे लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो. तो जब ये होता है तो एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाते हैं. और हमारे पहले जिन्होंने किया था, मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ,
उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया था कि शो अच्छा है, तो या नर्वसनेस बहुत है। नहीं, किरदार तो वही है, लेकिन एक 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 इंसान जो है वो जब लगभग 15-20 साल उम्र में बढ़ जाता है तो उसका जो रवैया है, उसकी जो सोच है, वो कुछ चीज़ों में बदलते हैं, कुछ चीज़ों में ही रिमेन्स द सेम या और भी स्टबर्न हो जाते हैं। सो यू विल सी शशांक इन दैट सेम एरिया, बट यू विल सी अ स्लाइटली डिफरेंट प्रेजेंटेशन ऑफ शशांक। That's what we have tried. नहीं, उन्होंने यू सी एक फिजिकल चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे स्कैल्पल को ऐसे लेना चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए, या ग्लव्स ऐसे पहनते ऐसे नहीं, पहले ये पहनते फिर ये पहनते, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है। यू ट्राई एंड बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल। हाँ, गुरदीप के साथ पहले दिन शूटिंग की तो ऐसे लगा 18 साल गए कहाँ, यू नो, इट्स अ स्ट्रेंज फीलिंग बिकॉज सडनली। सो एंड जो मैं हम कह रहा हूँ कि बाकी जो है अपने नमित और सुरभि और बाकी सब, यू नो, मेरे लिए ये सब नए हैं, बट देयर परफॉर्मेंसेस आर राइट अप, इट्स फैसिनेटिंग, हाउ केपेबल दे, इट्स फैंटास्टिक। यानी इतने प्रोफेशनल, बहुत अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग, अच्छी बात है। मेरे दोस्त तो इधर है ना, कैमरे इधर है, मैं एक्टर हूँ, मेरा मुंह इस तरफ ही जाते रहेगा, कम दिस साइड। यू नो आई टोल्ड यू व्हाट हैपेंस इज दैट जब वो साउंड ट्रैक प्ले होता है ना, टाइटल ट्रैक, देन यू स्टार्ट, एक थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होने लगती थी पहले कुछ दिनों में, क्योंकि इतना वक्त बीत चुका है। सो नाउ अब थोड़ा प्रेजेंट में आ गए हैं, और ख़ास करके यहाँ पे आप सबके सामने तो टोटली प्रेजेंट में आ चुके हैं, हवा टाइट हो चुकी है, देखते हैं क्या होता है। नहीं, क्या है कि वहीं से अगर स्टार्ट करना है तो फिर मुझे कम से कम 10 साल छोटा होना पड़ेगा, मुश्किल है, तो कुछ 10-12 साल आगे की बात है ये, और फिर हम लोग फ्लैशबैक्स में भी जाएंगे। दैट्स हाउ वी, ओके, थैंक यू। क्या करूँ, सब कैसे हैं? संजीव,
सच तो ये है कि मैंने देखा नहीं है, बट मैंने ऑफकोर्स एवरीबडी नोज अबाउट संजीवनी. इट्स सच अ बिग ब्रांड टू बी एसोसिएटेड विद, और मेरे लिए और इतनी खूबसूरत रिकॉल वैल्यू है. बच्चा बच्चा जानता है यार, बड़े बड़े भी जानते हैं. मुझे मैसेजेस आते हैं कि आप संजीवनी कर रही हैं. तो द आइडिया ऑफ डूइंग ऑल्सो संजीवनी वॉज बिकॉज संजीवनी बहुत बड़ा ब्रांड है, एंड ऐसे एसोसिएट होना इतने बड़े ब्रांड के साथ, आई थिंक ये दिस इज़ माई लक. मैंने कहा ना, मैंने देखा नहीं है, बट ऑफकोर्स एवरीबडी नोज के हमारे सुंदर डॉक्टर जूही थी, वेरी हैंडसम लुकिंग डॉक्टर शशांक थे, मोनीश जी, एवरीबडी. एंड आई हर्ड दैट वो बहुत लंबा चला था और बहुत अच्छा चला था. सो डॉक्टर ईशानी एक तो फर्स्ट ईयर रेसिडेंट है और बहुत ही स्पिक एंड स्पैन जर्मोफोबिक है. उसको थोड़ी सी कोई हाथ वाथ लगा देता है तो ऐसी हो जाती है थोड़ी सी, यू नो, शी टेक्स दूर रहती है. कुछ बहुत ही राइटियस है अपने नेचर में, अपने अप्रोच में. गलत हो तो ये देख नहीं सकती, अगर गलत होता है देखेगी तो सीधे कंप्लेन कर देगी. और बहुत ही एक बैगेज लेके चल रही है अपने माँ बाप का, कुछ जो नाम यू नो ख़राब था, जिनके वजह से वो ये सही करने आई है संजीवनी हॉस्पिटल में, प्रूव करने आई है. और सबसे अच्छी खासियत है कि अगर मैं आज आपको देखूं और मुझे ऐसा लगे कि आप में कोई प्रॉब्लम है तो मैं फट से डिटेक्ट कर लेती हूँ कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस ट्रेट अबाउट हर. काफ़ी सबसे पहले तो हमने सीखा कि ग्लव्स कैसे पहनते हैं, और जब आपके पास इतनी सारी अंगूठियाँ हों तो ग्लव्स तो फट ही जाते हैं. बट उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया ग्लव्स, बीपी कैसे चेक करना. आइए मैं आपका चेक करूं, मशीन होती तो मैं आपका चेक करती थी. बीपी किसका चेक करना बता दीजिए, राकेश का. राकेश जी आपका बीपी चेक करते हैं. हमें स्टेथोस्कोप की हार्ट बीट कैसे सुनते हैं, कितनी बीट्स होती हैं, सिरिंज को कैसे खोलते हैं और कैसे लिक्विड डालते हैं. काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं यार. बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब इतने इतने टर्म्स मैं सीख रही हूँ. मतलब अपनी लाइनें जो बोलती हूँ वो तो अलग है, बाकी जो टर्म्स यूज़ करती हूँ मेडिकल टर्म्स बड़े इंटरेस्टिंग है. मेरी मम्मी आ जाएँ और बहुत पापा भी आए, बहुत खुश होंगे. देखो बेटी मेडिकल तो कर नहीं पाई, डॉक्टर बन नहीं पाई, तो कम से कम टीवी में ही डॉक्टर बन ली. सो आई थिंक दे आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली प्राउड. पहले आप मुझे बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो उसके बाद हम बात करेंगे. शॉर्ट हेयर लुक के बारे में कुछ तो बताइए. बोली कैसी लग रही हूँ मैं, दिस इज व्हाट आई वांट टू हियर. आई हैव गॉन शॉर्ट विद द हेयर स्टाइल. मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट नहीं थी क्योंकि जो पिछला शो कर रही थी उसमें लंबे बाल थे, टिपिकल बहू थी. टिपिकल तो खैर नहीं थी, बट समथिंग डिफरेंट, लाइक अ गर्ल नेक्स्ट डोर कैरेक्टर है ईशानी का. बाल छोटे हैं, बड़ी स्टाइलिश कपड़े पहनती है. बाय द वे ये ईशानी का लुक है. स्टाइलिश डॉक्टर, एंड आई थिंक मैं इंस्पायर भी करना चाहूँगी कि हमें देख के डॉक्टर्स अच्छे कपड़े पहने. कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आप अच्छे दिख सकते हैं ऐसे कपड़े पहन के. सो दैट्स द आइडिया. मैं सारी पढ़ाइयाँ सेट पे करती हूँ, घर पे जाने का वक्त मिलता नहीं है. तो जो जो टर्म्स हैं, बाटनोलिसिस, EPI दो, सलाइन चढ़ाओ, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो सब सेट पे ही होती है. हमारे डायरेक्टर अभिजीत दास बहुत ही हिस्सो ट्रेन, तो हमें सब सिखाते हैं वो. यू नो डायरेक्टर होके भी उन्हें मेडिकल की इतनी नॉलेज है, मेडिकल फील्ड की. सो आई थिंक यू नो थिंग्स आर वेरी इजी. सिद्धार्थ मेड मी वेरी वेरी कंफर्टेबल, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी ऑफ कोर्स. एंड टू बी एसोसिएटेड विद सच अ बिग नेम इज़ ऑल्सो वेरी बिग अपॉर्चुनिटी इन माई लाइफ. प्रेशर है, काफ़ी है, इसलिए मैं आज बस वेट कर रही हूँ कि सबके रिव्यूज़ कैसे हैं. आप लोग भी देखिएगा, मुझे बताइएगा. आई एम क्वाइट नर्वस, वेरी ऑनेस्टली. एक्साइटेड तो मैं हुई हूँ, नर्वस ज़्यादा हूँ. मुझे ऐसा डर लग रहा है कि क्या होने वाला है. यार वो ना बड़ा मतलब वो गलत काम करने में बिलीव करता है, बट ऑफकोर्स जो उसकी अप्रोच है वो भले ही गलत काम करता है लेकिन उसकी उसका जो आइडिया है वो गलत नहीं है. इन द सेंसेस पैसे इधर की उधर करेगा लेकिन उसके पीछे जो मुद्दा होगा या मोटिव होगा वो अच्छा मोटिव होता है.
बट ये लड़की हमेशा उसको तभी पकड़ती है जब वो गलत काम कर रहा होता है, ये नहीं कि जब वो अच्छा कर रहा होगा, यू नो. सो वो एक प्रॉब्लम है. बट अदर देन दैट इट्स अ वेरी नाइस केमिस्ट्री वी आर ट्राइंग टू क्रिएट. दोनों के आइडियोलॉजीज बहुत अलग हैं एंड वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक जब दो लोग डिफरेंट सोच के होते हैं उनमें केमिस्ट्री बड़ी होती है. हाउ नाइस. बहुत सपोर्टिव हैं यार वो लोग. मतलब मैं कुछ भी करती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ. महेश सर, सो गुड टू सी यू. मैं कुछ भी करती हूँ उनके फीडबैक हमेशा रहता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो. एंड आई टेक इट वेरी यू नो वेरी सीरियसली. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यू नो ग्रोथ में या एज अ पर्सन इफ आई इवॉल्व इज बिकॉज मैं उनके पॉइंट्स पढ़ती हूँ और मैं उस पर वर्क करने की कोशिश करती हूँ. एंड आई थिंक शायद वो हमारा ना बहुत पर्सनल रिलेशनशिप है. मैं जो शायद मैं आपके साथ होंगी, मम्मी पापा के साथ होंगी, मेरा उनके साथ वैसा है. तो दैट्स द रीज़न आई थिंक देर इज़ इमेंस लव मेरी तरफ से उनके लिए, उनकी तरफ से मेरे लिए. थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वेटिंग. थैंक यू, थैंक यू. हेलो. I love the promo. I think it's so refreshing. और मुझे लगता है इस वक्त हमारे इंडियन टेलीविजन को एक ऐसे शो की ज़रूरत है जो एक एजुकेटेड मिडिल क्लास के लिए शोज़ हों और जो वेब को फाइट कर सकें. एंड आई वॉज टेलिंग सिद्धार्थ सर ऑल्सो दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट बिकॉज टी वी नीड्स टू फाइट बैक विद ग्रेट शोज एंड आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट शो दैट्स कम बैक ऑन टी वी. I'll be very honest, I haven't seen too much of the first season, main sach bata raha hu, because I think I was also pretty young that time. But all I know is jo maine iska promo dekha tha, I think it's so, mane usme quality mein itni ek, there's such a brightness in it, it's got nice colors, the actors are good. Monish Behl ko to dekh ke maine kaha like show is going to be fantastic because you've got such a good actor on board. So I think it's amazing and I hope jitne logo ko Sanjeevani 1 acha laga tha, they're going to love this even more and the new audiences get to see it. So what are you looking forward for today? Today's screening, I'm looking forward to that girl there who's called me and who's my dear friend and who I love a lot. So I'm going to wish Surbhi all the best because I think she's phenomenal and she's coming on a second big show. Jo bhi show karti hai, it does very well. Haan, sunne mein aaya bhai. देखिए भाई, आई बीन अ पार्ट ऑफ YHM और ये है मोहब्बतें. आई थिंक ऑनेस्टली इज बिन इन द लास्ट 5 years इंडियाज़ बिगेस्ट पाथ ब्रेकिंग शो. आई वॉज अ सेकेंड लीड, आई डिड इट फॉर 3 years, उसके बाद मैं घूमने चला गया. अभी जो बंद हो रहा है, आई डोंट नो कि मुझे सच बोलना चाहिए कि मुझे डिप्लोमेटिकली करेक्ट होना चाहिए. आई थिंक फॉर द फर्स्ट 3 years उन्होंने एक स्टोरी बहुत स्ट्रांगली फॉलो की थी. उस शो की गड़बड़ हुई जब चैनल ने बोला कि आप मंडे से थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कर दीजिए. अभी अगर आप क्रिएटिव टीम, एक्टर्स, डायरेक्टर्स को बोलोगे कि चाइना की तरह 7 दिन आप एक शो करो, वेयर इज़ द स्टोरी लाइन गोइंग टू गो? किसी को तो टाइम चाहिए स्टोरी लिखने के लिए, एक्टर्स को शूट करने के लिए. तो मेरे मुताबिक जब वो एक फेज़ आया था 3 साल के बाद कि उन्होंने YHM को 7 दिन बना दिया था, आई थिंक वो शो का एक बहुत गड़बड़ हो गई थी बिकॉज नोबडी गॉट अ ब्रीदर to give the show. I think Monday to Thursday is fine, Monday to Friday, can't do a Monday to Sunday every week for 2 years. It becomes, and if it's going off air, I am very proud because I think India mein pehli baar ek educated show aaya tha based on a book, and we were all a part of it. Kisi ne socha nahi tha that show will be so successful, it will be remembered 5 years down the line. So yeah, this one, oh that one, sorry, you're asking me questions, come to the side. So yeah, but YHM going off air is very sad. But those first 3 years were amazing of the show. It was an amazing show. The audiences loved it. It had a lot of value system on it. It was educated. Hum log office jaate the, ties pehnte the. The lines were very good. And it dealt with children
I want to do the next show. I'm playing a young father. Anybody casting, let me know. यार ये मुझे एक मिनट सुनने में आया, करण पटेल इज नॉट इन द शो. सो हाउ इज YHM YHM देन? पटेल और दिव्यांका के बिना आई डोंट नो, बट वेल आई गेस देन इट्स द फैग एंड ऑफ द शो एंड वी हैव टू किस इट गुड बाय. पटेल खतरों के खिलाड़ी बिग बॉस में भी आ जाएगा, बट दैट इज डिफरेंट. बट आई एक्चुअली ही इज लेफ्ट द शो. ही इज ऑफ आई हैवंट वॉच्ड YHM इन 2 years. या दैट्स लाइक very very strange. I mean, how can Patel leave the show? But anyway, ye dekho ek aur star plus kya hai. I'll leave it on to him. No, any other questions? Thank you, any other questions? Thank you so much, guys. Thank you, lots of love. मैं ठीक हूँ. अच्छा जी, संजीवनी 2 का मैंने नया प्रोमो देखा और हर बार की तरह ऑफकोर्स पिछली बार भी शो सुपर हिट था और इस बार भी डेफिनेटली जो लुक है, जो प्रोमो है, जो फील है, शो डेफिनेटली सुपर हिट होगा. जी एक मिनट सुना नहीं. सुना ही नहीं दिया, बोलिए. देखिए, फेवरेट कैरेक्टर की बात हो तो ऑफकोर्स डॉक्टर शशांक, और मैं पहले भी उनका बहुत बड़ा फैन था एज एन एक्टर एंड एज अ कैरेक्टर ऑल्सो. तो आज भी मैं मोनीश सर को देखने के लिए उतना ही एक्साइटेड हूँ एंड आई एम सो ग्लैड इज बैक. बेस्ट विशेज तो एक ही तरह की होती हैं, वो क्या पता नहीं क्या होती हैं, पर मेरी बेस्ट विशेज हैं. मुझे ऐसा लगता है ये डॉक्टर्स का साल है, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर प्ले करता हूँ. मुझे ये गुड लक मिला है कि मैं अपने शो पर भी एक सर्जन प्ले कर सकूँ, और अब डॉक्टर्स को लेकर एक पूरा शो आ रहा है. तो यस, इट्स अ ईयर ऑफ डॉक्टर्स, इट्स अ ईयर ऑफ मेडिकल अवेयरनेस. जी मैंने पेशेंस सीखा है, और मैंने एक बहुत अहम चीज़ सीखी है डॉक्टर्स को ऑब्जर्व करके. जितना भी मैंने अपने रोल के लिए ऑब्जर्व किया है वो ये है कि चाहे सिचुएशन कोई भी हो, आपका इमोशन कोई भी हो, आपको जो काम करना है वो न्यूट्रली, कामली और अनबायस्डली करना है. जी सूरभि और नमित ने मुझे पूछा ही नहीं कुछ, पर आई डोंट थिंक सूरभि और नमित को कोई भी सजेशन की ज़रूरत है. वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं एंड दे हैव माय बेस्ट विशेस. अटैक करो. या मैं एक्चुअली चेंजेस देखना नहीं चाहूँगा. आई वुड रियली लाइक दैट ओल्ड प्रोग्रामिंग अबाउट टेलिंग अ स्टोरी इन अ सर्टन वे, एंड आई एम होपिंग दैट द होल ओल्ड स्कूल नॉस्टैल्जिया नहीं होता जो बड़ा अच्छा सा लगता है, तो उस तरह की स्टोरी टेलिंग वापस आएगी तो बहुत मज़ा आएगा. मैं तो बड़ा बहुत ही बायस्ड होने वाला हूँ, लेकिन हो नहीं चाहूँगा, बिकॉज मुझे गुरदीप भी बहुत पसंद है. आई रियली लाइक गुरदीप एंड आई लाइक ईशानी आर सुरभि, सो आई एम
I'm just going to say that सारी लड़कियां औरतें बहुत अच्छी हैं इस शो पे, तो मैं तो सबके लिए ऐसा चीयर अप कर रहा हूं. नहीं नहीं, वो बहुत काम में बिजी थी, वो मिल भी नहीं पा रही अभी किसी से. एब्सोल्युटली नॉट. मेरी तरफ से ये बेस्ट विशेस होने वाले हैं बिकॉज दे आर ट्राइंग टू ब्रेक अ न्यू फॉर्मेट अगेन. एंड हमारे ना इंडिया एज अ कंट्री वी लाइक टू फॉलो मीडियोक्रिटी. एक चीज़ चल जाती है उसी के बहुत सारे वर्जन आ जाते हैं. टू ब्रिंग बैक समथिंग एंड टेल अ स्टोरी डिफरेंटली. अब आप अगर उसका लुक देखोगे वो बहुत ही एक्सपेरिमेंटल लुक है, और किसी भी हीरोइन को ना ऐसे एक्सपेरिमेंट लुक करने में बहुत डर लगता है. उसको लगता है कहीं शो नहीं चले, कहीं ऑडियंस को पसंद ना आए. टू बी कन्विंस्ड एंड टू गेट पीपल टू फॉलो हर इज गोइंग टू बी समथिंग दैट वी आर ऑल गोइंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ. ये देखिए, ये भी आ गए बिग बॉस में वापस. दिस इज बिग बॉस कमिंग बैक अगेन. करण कुंद्रा, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम रह नहीं पाएगा, मार के वापस आ जाएगा किसी को. आ रहा हूँ मैं, यहाँ मेरा प्रोमो हिट हो जाएगा एक दो दिन में, तो पता चल जाएगा आप लोगों को. वापस आ रहा हूँ. क्या पता क्या है, मेरे फैंस को ऑलरेडी मालूम है. एम जी वी ए सो ऑफ स्पेस एंड वी आर बैक. देखो एस ऑफ स्पेस आया था दिसंबर में, ख़त्म हुआ था. वो बोल रहे हैं मार्च में वापस ले आओ, अप्रैल में मार्च. यार एक साल का गैप लेते हैं लोग. लाइक आई हैड थॉट अबाउट थिंग. आई एम सो ग्लैड द शो वाज लव्ड सो वेल दैट दे वांटेड टू ब्रिंग द सीजन इमीडिएटली, बट एट दैट पॉइंट आई डिड नॉट हैव द डेट्स एंड आई डिडंट रियली वांट टू इन्वेस्ट माई सेल्फ इन द शो बिकॉज यू नो इट्स एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट शो टू डू, नॉट जस्ट फॉर द कंटेस्टेंट्स बट फॉर समवन हु इज लिविंग विद देम फॉर 18 आवर्स एवरी डे. एंड आई लव ईच एंड एवरी वन ऑफ द किड्स. इफ यू रियलाइज ऑल ऑफ देम आर ऑलमोस्ट वर्किंग विद मी एवरीवेयर. सो फॉर मी इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव इट अ टाइम ओनली व्हेन आई कुड. And luckily they waited. They waited from 4 months now, and now they're bringing it back. So yes, I'm back on this space. Thank you. तूने weight lose किया ना? देख तो सही. किशन, leak किया उसने weight lose किया.